हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है जेडी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेडी क्रेजी फिजिक्स। और आज हम हुक के नियम को टेस्ट करेंगे। और हुक का नियम ये कहता है कि आप किसी भी रबड़ को खींचते हो तो एक लिमिट तक वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है और एक लिमिट यानी कि भंजक पॉइंट के बाद वो टूट जाता है। तो आज हम इस रबड़ यानी कि बलून की इलास्टिसिटी को देखेंगे कि कितना खींचने पर या इसको कितनी ऊंचाई पर गिरने के बाद ये बलून फूट पाता। ये तो हमें पता है कि जो सिंपल बलून होता है एक लेयर का वो तो टूट जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर इस बलून के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बलून लगाए और 7 बलून के कारण इसकी लेयर जो है वो काफ़ी मोटी हो गई है। तो अब असली बात है कि इसको हम ऊंचाई पे से गिरेंगे तो ये काफ़ी देर में फूटेगा। तो हम इसको पहले कम ऊंचाई से, फिर अधिक ऊंचाई से, फिर और अधिक ऊंचाई से, और नहीं भी फूटा ना तो हम इसको टावर के ऊपर से डाल देंगे तो फूटेगा। तो हम देखते हैं कि कब तक ये हमारे ड्रॉपिंग टेस्ट को झेल पाता है। तो बनते हैं इस वीडियो में। हम यहाँ पर दोनों गुब्बारों को एक साथ छोड़ेंगे और देखेंगे कौन सा फूटता है और कौन सा बचता है। 1, 2 एंड 3। वाह, दोनों में से कोई सा ही नहीं फूटा। इसकी एक लेयर गई, दिखाना। देखो, इसकी केवल एक लेयर जा चुकी है, ये वाली लेयर दिख रही है आपको, लेकिन अब इसके ऊपर लग रही है, हम इसको हटाएंगे नहीं। लेकिन उससे भी मस्त देखो ना, ये एक लेयर का गुब्बारा, ये भी नहीं टूटा। तो अब हम इसकी ऊंचाई को और बढ़ाते हैं ऊपर से, इतना ऊपर से, और फिर भी नहीं टूटा, भी नहीं टूटा। तो हम इसकी और ऊंचाई से बढ़ा देते हैं, देखो। इसकी सेकंड नहीं, हाँ फर्स्ट लेयर ही लकी हुई अभी, लेकिन ये देखिए एक गुब्बारा है केवल, लेकिन फिर भी ये नहीं टूट रहा। हाथ में टूटना तो नहीं। तो अब की बार हम गुब्बारे को यहाँ टावर से गिरा रहे हैं, नीचे कैमरा में लगाए। रेडी सेट गो। ये की बार हम इस गुब्बारे को छत पे से गिराएंगे और फिर एवर नीचे दिखा, नीचे तक ऐसे, और फिर देखेंगे कि ये टूटेगा या नहीं। शुरू कर, 1, 2 एंड 3। ये जो लास्ट हमारे पास एक लेयर का गुब्बारा बचा है, इसके अंदर जो था वो भी शायद अंदर का भी गुब्बारा टूट गया, बाहर से जो 5 गुब्बारे थे वो टूट गए, मतलब कुल मिला के 6 गुब्बारे टूट चुके हैं। लास्ट एक बचा है और इसको भी हम फोड़ के देखेंगे। 1, 2 एंड 3 खत्म। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर करेंगे, और ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।